नमस्कार, आयुर्वेद और फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या जिससे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी जरूर जूझा हुआ रहता है। ये समस्या है कमर दर्द या लोअर बैकएक की। अब ये लोअर बैकएक की समस्या इतनी कॉमन हो गई है, ये आधुनिक हमारी जो जीवन शैली है, आहार विहार है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे मोटापा है उसकी वजह से, या जो वर्क स्टाइल है कि आपको पूरे दिन बैठे रहना है एक ही पोजीशन में, या सेडेंटरी लाइफ है। और मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन इसका लगता है कि हमारा जो एक कल्चर था जिसमें मसाज थी कि हम ऑयल मसाज जो है बॉडी पे करते थे, वो कहीं ना कहीं गुम हो गई है। हम सभी बाकी प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं बट तेल का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये कमर दर्द या लोअर बैकएक की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है। बट आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, आज इसी के उपाय के लिए जो आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी चिकित्सा इसकी बताई गई है, जिसका नाम है कटी बस्ती। कटी यानी कि कमर या लोअर बैक, और बस्ती यानी कि डैम या हम किसी चीज को जो है धारण करा सके, यानी हम कटी या जो हमारी लोअर बैक है वहां पर जो है एक द्रोणी बना करके और ऑयल का जो है वहां पर धारण कराते हैं, उसे कटी बस्ती कहा गया है। अब कटी बस्ती के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? एक तो हमें उड़द का आटा चाहिए जिसकी हमें पिस्टी बनानी है, आटे को गूंथ के रखना है। यदि आपके पास रिंग है अवेलेबल तो बहुत अच्छा है, आप रिंग से हेल्प ले सकते हैं, नहीं है तो भी काम चल जाता है। जो महत्वपूर्ण हमारा घटक है वो है औषधीय तेल। तो इसके लिए मूल तेल, महानारायण तेल, महामास तेल, तिल तेल, इनका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। कटी बस्ती का प्रोसीजर क्या है, इसे तीन भाग में डिवाइड कर लेते हैं, बिफोर प्रोसीजर, मेन प्रोसीजर और आफ्टर प्रोसीजर। तो जो बिफोर प्रोसीजर में करते हैं, जिस स्थान पे कमर में दर्द है वहां पर हल्के हाथ से तेल की मालिश करके स्वेदन या फिर स्टीम दी जाती है, और बहुत अच्छे से स्टीम के बाद उस जो जगह है उसको साफ कर लिया जाता है ताकि ऑयल वहां ना लगा रह जाए। मेन प्रोसीजर, इसमें पेशेंट को पेट के बल किसी भी समतल तख्ते पे या फिर फ्लोर पे लिटा दिया जाता है। उसके बाद जिस स्थान पर उसको पेन होता है वहां पर उड़द का जो आटा है उसकी पिष्टी लेकर के और उसकी सर्कमफेरेंस परिधि जो है वो बनाई जाती है। अगर आपके पास रिंग है तो आप रिंग रख करके और उसको उड़द के आटे की पिष्टी से टैपिंग कर सकते हैं। इसको 2 इंच ऊंची और 2 इंच चौड़ी बनाया जाना चाहिए। उसके बाद बात आती है इसमें ऑयल डालने की, तो ऑयल का जो टेम्परेचर है उसे है। ऑयल को जो गर्म करने की विधि है, डायरेक्ट ऑयल गर्म ना करके इनडायरेक्ट तरीके से, यानी कि किसी बड़ी भगोने में अच्छे से पानी उबाल करके दूसरे किसी बर्तन में तेल लेकर के उसको उस पानी के माध्यम से गर्म करके वो तेल आप डालें और उसको किनारे से डालें। अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तेल का टेम्परेचर रखा जाता है, और उस जो हमने द्रोणी बनाई है उसमें एटलीस्ट 25 से 30 मिनट तक उस तेल को भरा रहना चाहिए। और टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आप जो है तेल को रुई से निकाल सकते हैं, दोबारा तेल को गर्म करके उसमें डाल सकते हैं। तो ये इसका मेन प्रोसीजर होता है। आफ्टर प्रोसीजर आपको क्या करना है कि जो हमने उड़द की पीठी से जो भी वो द्रोणी बनाई है उसको हमें हटा देना है और किसी कपड़े को गर्म पानी में भिगो करके उस स्थान को अच्छे से पोंछ देना है। उसके बाद पेशेंट को जो ध्यान रखने वाली बात है वो बतानी है कि भाई बहुत ठंडे पानी से स्नान ना कर लें, ठंडी हवा में नहीं जाएं, तेज धूप में नहीं जाएं, कोई बहुत हैवी वर्क ना करें, ऐसे कुछ प्रिकॉशंस उसको रखने चाहिए। जब भी आप ये प्रोसीजर करवाते हैं तो एटलीस्ट 7 से 10 दिन आपको लगातार करवाना चाहिए। बीच में आप थोड़ा गैप ले सकते हैं और फिर अगर सुविधा हो तो आप दोबारा ये करवा सकते हैं। कटी बस्ती के इंडिकेशंस क्या हैं? तो लोअर बैकएक है, यानी कि लंबर और सैक्रल जॉइंट पे जो भी पेन है वहां इसका इंडिकेशन है। साइटिका है, लंबर डिस्क डीजनरेशन है, लंबर डिस्क कंप्रेशन है, लंबर स्पोंडिलाइसिस है, लंबर स्पोंडिलिस्थेसिस है, ऐसे जितने भी डिस्क के या स्पाइन के प्रॉब्लम्स है लंबर और सैक्रल जॉइंट में, उनके लिए कटी बस्ती जो है बहुत अच्छी बताई गई है। कटी बस्ती किस तरह से फायदा पहुंचाती है? हम डायरेक्ट उसी एरिया पे करते हैं तो वहां पर जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मसल्स जो है उनमें मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं,
उस एरिया में जो स्टिफनेस है वो कम होती है, स्वेलिंग कम होती है। तो इस तरह से अगर वहाँ पर कोई नर्व्स दबी हुई होती हैं उनमें रिलैक्स आता है तो बहुत अच्छे से जो है आपका पेन मैनेजमेंट वहाँ होता है। आपने देखा बहुत ही सीधी नॉन इन्वेजिव सिंपल थेरेपी है, आप करवा सकते हैं। और यही मेरा उद्देश्य इस थेरेपी को बताने का है कि आयुर्वेद में लोअर बैक एक के लिए या लंबर और जो सैक्रल जॉइंट है उनसे संबंधित जो स्पाइन है उससे जितने भी रोग हैं उसके लिए कटी बस्ती जो है बहुत अधिक अच्छी कारगर साबित होती है। तो किसी भी इन्वेजिव प्रोसीजर में जाने से पहले आप इसे जो है जरूर प्रयोग में लाएं और इसका लाभ उठाएं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। सी यू नेक्स्ट वीडियो।